आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्तनधारी यानी मेमल्स कौन सा है इनमें से सबसे बड़ा? व्हेल, हाथी, डायनासोर या गेंडा? तो मेमल्स होते कौन से हैं? विविपेरस होते हैं यानी जरायुज होते हैं। उनके लक्षणों की बात करें तो जरायुज होते हैं यानी जो फीमेल मेमल्स होती हैं वो बच्चे को जन्म देती है, ना कि अंडे से बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे को जन्म देती है वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। इसके अलावा जो स्तनधारी होते हैं उनमें चार कोष्ठीय हृदय होता है, और फीमेल मेमल्स होती है उनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है यानी जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती है, और फीमेल मेमल्स होते हैं उनमें जो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो इनमें बेबी और उनके बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। तो ये सब जिसमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी या मेम्बल्स कहलाते हैं। तो आपको पूछा गया है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी है वो व्हेल मछली है जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। अगर सबसे बड़ा हार्ट पूछा जाए कि सबसे बड़ा हार्ट किसका है, तो वो भी व्हेल मछली का ही है सबसे बड़ा हार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जेजे थॉमसन, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन या निल्स बोर? निल्स बोर थे, इन्होंने कोस या जो कक्ष होते हैं KLMN जो कक्ष हैं इसकी खोज की थी निल्स बोर ने। जॉन डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु की सबसे पहले खोज की थी। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और जो परमाणु का पहला मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जेजे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो ये इसका आंसर होगा। जो जेजे थॉमसन ने मॉडल दिया था उसी को क्या बोला गया था? प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। थॉमसन थे, उन्होंने जो मॉडल दिया था परमाणु का, उन्होंने बताया कि परमाणु है वो एक धनावेश गोला होता है। ये आपको गोला दिखाई दे रहा है, तो ये धनावेश गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन है वो दसे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दसे हुए रहते हैं, जैसे तरबूज होता है तो तरबूज में गुदे का वाला भाग होता है उसको क्या बोल दिया? धनावेश भाग। और जो बीच में जो बीज आपको दिखाई देते हैं वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन माना उनको। तो इसी को क्या बोला गया? प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? जेजे थॉमसन के द्वारा दिया गया, और जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेजे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का निर्माण में सहायक रुधिर कणिका कौन सी है? रुधिर का थक्का निर्माण में ल्यूकोसाइट, ये तो इसी को क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। WBC है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक नहीं है। ग्रेनुलोसाइट, ये WBC का एक प्रकार है तो ये भी रक्त का थक्का नहीं बनाता है। इरिथ्रोसाइट, इसी को क्या बोलते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये भी रुधिर का थक्का नहीं बनाती है। थ्रोम्बोसाइट, या इसी को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यही रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है थ्रोम्बोसाइट। जब किसी व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाता है तो उसमें थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की संख्या है वो गिर जाती है, यानी कि उनकी संख्या में कमी आती है। थ्रोम्बोसाइट या जो प्लेटलेट्स होती है इनके अलावा रक्त का थक्का बनाने में और कौन सहायक होता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन विटामिन के और कैल्शियम होते हैं, ये भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन सी होती है जिनमें दो या दो से अधिक तत्व हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं उसमें। लोहा, तांबा, सोना या स्टेनलेस स्टील? तो स्टेनलेस स्टील है, यही एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील है, ये एक प्रकार की जंग रहित मिश्र धातु है। इसका निर्माण किससे होता है? आप कैसे याद रखेंगे? कॉलोनी, कॉलोनी को से क्रोमियम, लो से लोहा यानी आयरन, और नी से निकिल। तो स्टेनलेस स्टील किसे मिलकर बनी होती है? क्रोमियम, आयरन और निकिल से मिलकर बनी होती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वाशियोर कोर रोग किसकी कमी से होता है? ये एक प्रकार का
पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर जहाँ पर अकाल वगैरह ज्यादा पड़ते हैं उस स्थान पर ज्यादा देखा जाता है। क्वाशे और को रोग है, ये एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की जब कमी होती है, भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती, तो कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशे और को रोग हो जाता है। ये छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। जब ये रोग हो जाता है तो तरल पदार्थ है वो शरीर में जमा हो जाता है और पेट फूल जाता है। जैसे इस बच्चे का फूल रखा है पेट, तो ये कौन सा रोग के कारण होता है? क्वाशियोर रोग के कारण होता है। एक होता है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो शरीर है वो सूखकर दुबला हो जाता है। जैसे इस बच्चे का दिखाई दे रहा है, आंत ही दिखाई दे रही है। तो ये किस रोग के कारण होता है? मेरस्मस रोग के कारण होता है। मेरस्मस रोग के कारण तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, और क्वाशियोर को रोग है उसकी कमी के कारण व्यक्ति का पेट है वो फूल जाता है। तो ये दोनों ही किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। तो बी इसका आंसर होगा। कांच तथा रत्न काटने वाली जो मशीनें होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? कांच और रत्न काटने वाली मशीनों में हीरा का उपयोग किया जाता है। हीरा ये कठोरतम प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। हीरा ये कार्बन का एक अपरूप होता है, शुद्धतम अपरूप। कार्बन के तीन अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ये जो हीरा है इसे ये सबसे कठोरतम पदार्थ होने के कारण इसको कांच और रत्न काटने वाली मशीनों में काम में लिया जाता है। हीरे में एक कार्बन होता है वो चार अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। और जो कार्बन होते हैं, हर कार्बन है वो किस अवस्था में होता है? sp3 संकरण अवस्था में होता है। तो हीरा इसका आंसर होगा। रुधिर में RH कारक की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मेलपिगी और बिचट। इन्होंने तो उत्तकों से संबंधित अध्ययन किया था। ल्यूवियन होक और विनर। ल्यूवियन होक ने जीवाणु की खोज की थी। इवानोवस्की और पास्चर, इन्होंने वायरस की खोज की थी। लैंडस्टीनर और विनर, इन्होंने किसकी खोज की थी? RH कारक की खोज की थी। मकाका रिसस नामक बंदर था, इसमें RH कारक की खोज की गई थी। RH नाम कहाँ से आया? रिसस नाम से। मकाका रिसस नामक बंदर था, उसमें RH कारक की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुई थी? 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो किस गैस के कारण हुआ था? ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT। ये एक विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। CFC ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाई जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। तो इस मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जो एक जहरीली गैस थी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा।